मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, वह देश अपनी आजादी के 75 सालों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आज का नया भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। यह भारत के वर्तमान यशस्वी नेतृत्व की सफलता का भी उदाहरण है। सीएम योगी गुरुवार को युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वाधीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें जन जन की भागीदारी है। सभी भारतवासियों ने हर घर तिरंगा फहराया, इसमें संपूर्ण देश की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। भारत उन चंद देशों में से एक है जिसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया, बल्कि निरंतर लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष लगातार देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। उस दौर में देश एकजुट होकर लड़ा होता तो मुगलों के चक्के उसी कालखंड में छुड़ा दिए होते और उसके बाद पराधीनता नहीं मिलती। सीएम योगी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देश एकजुट होकर लड़ा था। बैरकपुर में मंगल पांडे, गोरखपुर में बंधु सिंह, मेरठ में धन सिंह कोतवाल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर में तात्या टोपे ने आजादी की लड़ाई की मसाल जलाई। देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार ना भरी हो। पहली बार लगा था कि भारत दासता से मुक्त हो जाएगा, तभी से क्रांति की ज्वाला बुझने नहीं पाई। 1922 में ऐतिहासिक चौरी चौरा जनाक्रोश हुआ। लखनऊ में काकोरी की घटना में कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अनगिनत बलिदान से अंततः 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाधीनता दिवस पर बताए गए पंच प्रणों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम लक्षित संकल्पों से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे वह छात्र हो, शिक्षक, किसान, उद्यमी, व्यापारी या समाज का कोई भी तबका, सबके मन में देश प्रथम का भाव होना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करना होगा। पंचायतों और निकायों को हर एक कार्य के लिए सरकार पर निर्भर रहने की बजाय राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी के पंच प्रण किसी व्यक्ति, मजहब, धर्म या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि देश की 135 करोड़ जनता के लिए मिलकर काम करने का मंत्र है। सीएम योगी ने कहा कि देश की आजादी के बाद दुनिया को लगा था कि भारत लंबा नहीं चल पाएगा, पर इन 75 वर्षों में अलग अलग बोली, भाषा, खान पान के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा द्वारिका से बंगाल तक पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय भाव भंगिमा दिखती है। हमें और आगे बढ़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जगाना होगा और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। यदि हमें भारत को विकसित बनाना है तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। ऐसा करके ही हम आज़ादी के शताब्दी महोत्सव में यह कहने की स्थिति में होंगे कि हमारा देश विकसित और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इतिहास को विस्तृत कर उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। विकास केवल बोल देने से नहीं होगा, बल्कि इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। इतिहास, ज्ञान, विज्ञान के समन्वय से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और गुमनाम रह गए, उन्हें ढूंढना और उनके जरिए वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं को उठाना होगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों से जुड़कर शिक्षण संस्थान खुद को आदर्श केंद्र बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं पाठ्यक्रमों के साथ सरकार की योजनाओं की गहरी जानकारी रखें,
ताकि अध्ययन के बाद छात्र को कहीं भटकना ना पड़े। योजनाओं की जानकारी से छात्र अध्ययन के साथ ही अपने आगामी लक्ष्य को तय कर सकेगा और लक्षित संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंत द्वय आजीवन राष्ट्र निर्माण की संकल्पना से जुड़े रहे। महंत द्वय के नेतृत्व में गोरक्षपीठ के एक एक कार्य समाज एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, छुआछूत उन्मूलन, गोरक्षा से लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरक्षपीठ ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आचार्य द्वय ने सदैव राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने कहा कि 1947 में देश के आज़ाद होने पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत बिखर जाएगा, लेकिन आज़ादी के 75 सालों में भारत बिखरा नहीं बल्कि निखर गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्र जागरण का उत्सव बताते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी वैश्विक नीति के निर्धारण में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वस्तुतः भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इसी परिकल्पना के अनुरूप गोरक्षपीठाधीश्वरों की परंपरा रही है कि वह धर्म, संस्कृति व राष्ट्रीयता पर होने वाले आक्षेप का प्रतिघात करते हुए नेतृत्व करते रहे हैं। सम्मेलन में विषय की प्रस्ताविकी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर जगतगुरु स्वामी श्रीधराचार्य अयोध्या से आए प्रशांत शुक्ला ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में महंत शेरनाथ, महंत शिवनाथ, ब्रह्मचारी रासलाल, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजूदास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविन्द्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गोरक्षपीठाधिपतिं स्मरामि इमां प्रसूनाष्टपदां हिमालयं श्री चरणेऽर्पयामि पुनः अस्मि पुनः पुनः साञ्जलिरानतोऽस्मि। परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, ऐसी भारतीय संस्कृति, ऐसा भारत जिसका अर्थ ही है प्रकाश की ओर, ज्ञान की यात्रा में लीन। शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता। गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महापुरुषत्व के पावन स्मृति में इतना सुंदर विषय है आजादी अमृत महामहोत्सव का, जिस पर मंचस्थ हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत पूज्य महाराज श्री एवं मंचस्थ विराजमान पूज्य संत, विशिष्ट महान भाव, प्यारे बच्चों, विशिष्ट सुबुद्ध जन, वास्तव में आज़ादी अमृत महामहोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, संपूर्ण भारत देश में मनाया जा रहा है। किस चीज़ से आज़ादी हम सबको प्राप्त हुई, किस रूप में हम आज आजाद हुए और कितने आगे बढ़े, ये सोचनीय विषय है।
एक समय वही था जो आज से 75 वर्ष पहले कितने कितने वर्षों तक हमारे भारत देश को लोगों ने पराधीन किया। हम पराधीन क्यों हुए? हमारा देश पराधीन क्यों हुआ? हमारे में शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं थी, आपस में आक्रांताओं ने हम लोगों को आपस में विभाजित किया, जाति पाति धर्म में विभाजित किया और आपस में लड़ाया और स्वयं हमारे देश पर राज्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय को लोगों ने जलाया, कोई कमी नहीं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में। आज विदेश के लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, इसलिए युवा पीढ़ी को हमें अपने संस्कृति संस्कारों में पलना चाहिए और अपने संस्कृति पर, अपने भारतीयता पर, अपने हिंदू धर्म पर, अपने राष्ट्र पर बिल्कुल स्वाभिमान रखना चाहिए और सबको एकजुट होकर के अपनी भारत माता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। आजादी महामहोत्सव, अमृत महोत्सव के लिए हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए और इसके लिए सबको बधाई भी हम प्रदान करते हैं अपनी वाणी के ही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज से। और अब फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफ्ताब कोई। ऐसे हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के चमकते हुए सूर्य एक भारत श्रेष्ठ भारत समर्थ भारत सशक्त भारत के निर्माण में, भारतीय संकल्पना में, भारत के विश्वगुरु बनाने की संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाने में जिस व्यक्तित्व का सर्वाधिक योगदान भारत के भविष्य में होने जा रहा है, ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए पूज्य महाराज से। साप्ताहिक पुण्य तिथि कार्यक्रम आज के इस संगोष्ठी में मंच पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, सिंधु गुफा सवांग यात्रा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी, वडोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, अयोध्या से पधारे श्री महंत राममिलन दास जी महाराज, मोहाली पंजाब से पधारे श्री महंत रामनाथ जी महाराज, महंत राजीव दास जी, महंत रविंद्र दास जी, महंत पंचानंद पुरी जी, महंत मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तावना जिन्होंने रखी महाप्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माना प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं के प्राचार्य और आचार्यगण, प्यारे बच्चों,
फतेहवर्ष गोरखपीठ की ओर से अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दो सत्रों में, पूर्वाह्न के सत्र में समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने वाला है, उन सभी समसामयिक विषयों को लेकर के इस संगोष्ठी का आयोजन होता है। तो अपराह्न के सत्र में यहां पर कथा प्रवचन का एक सुंदर आयोजन भी इस अवसर पर संपन्न होता है। आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है और आज की संगोष्ठी का जो विषय यहां पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया था कि आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आजादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने, अलग अलग स्तर पर बने, स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे और हर घर तिरंगा के माध्यम से भी बने होंगे। पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आजादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन क्या सरकारी आयोजन न बने, आजादी किसको, क्या राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलना है, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा। वह है, अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है या भारत की यशस्वी नेतृत्व के पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आजादी अचानक नहीं मिली, आजादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े।
क्षेत्र में कार्यक्रम हुए, संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। केवल अपने राजे रजवाड़े की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन उस लड़ाई में जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान था, वहीं पर अगर किसी एक चीज की कहीं पर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस लड़ाई को मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, अगर पूरा देश उस समय भी एकजुट होकर को उनके नेतृत्व में लड़ा होता, तो मुगलों के छक्के वहीं पर छुड़ा करके भारत को सदैव के लिए किसी प्राचीनता से मुक्त करने का कार्य उसी कालखंड में हो गया होता। जिस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ते रहे, अगर उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा होता, तो आने वाले समय में इस देश में आसन्न गुलामी के संकट नहीं देखने को मिलते। जिस लड़ाई को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ उस समय लड़ा होता, तो संभवतः देश के सामने फिर यह प्राचीनता नहीं देखने को मिलती। लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा था 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में। पूरे देश के अंदर जगह जगह आजादी के लिए लोगों ने हुंकार भरी थी। कहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं झांसी में ये लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, कहीं बिठूर में चाचा टोपे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में कोई जनपद, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने उस समय हुंकार न भरी हो। और पहली बार लगा था कि भारत पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। उस समय भले ही उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उस प्रथम स्वातंत्र समर को पिरोने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ था, वह ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई, निरंतर चलती रही और निरंतर चलती रही। कभी इसके बाद आपने देखा होगा चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की घटना होती, इतिहास प्रसिद्ध घटना। लखनऊ में ताकोरी की घटना होती है, ताकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अस्ताउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी, वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है। आज भारत 75 वर्षों की आजादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है और
और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है। विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है, विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति, अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए। एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। आत्मनिर्भर होगा कैसे? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कैसे आप करेंगे? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होकर के कोई आत्मनिर्भरता का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। अगर हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमारे व्यापारिक संस्थान है उनको देखना चाहिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं कि जिन पर हम विदेशों पर आश्रित होना कम से कम करें और स्वयं भी भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन शुरू कर दें। ऐसी कौन सी चीजें होंगी कि जिसके माध्यम से अगर हमारे पंचायतें देखेंगे, नगर निकाय देखेंगे, ये भी तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यों सरकार पर निर्भर रहे, हर कार्य के लिए सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते रहे? इन्हें भी तो अपने आय को वृद्धि करनी होगी, अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा, उन क्षेत्रों को टटोलना होगा जहां से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और गुलामी के अंश को कहीं भी हम फलने नहीं देंगे, विकसित नहीं होने देंगे, उसे बढ़ने नहीं देंगे। जब यह भाव होगा तो स्वाभाविक रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, कोई नहीं रोक सकती है। 75 वर्षों की इस यात्रा को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने बड़े सकारात्मक भाव के साथ लिया है, लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। भारत जब आजाद हो रहा था तब दुनिया ने सोचा था कि भारत एक नहीं रह पाएगा। भारत आजादी का जश्न मना रहा था तब भी लोगों ने कहा कि भारत इस यात्रा को बहुत लंबी दूरी तक लेके नहीं चल पाएगा। 75 वर्ष हो गए, देश के अंदर बोली भाषा अलग अलग,
खान पान अलग से अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक अगर भारत के अंदर राष्ट्रीयता का भाव देखना है तो एक भाव एक भंगिमा पूरे देश के अंदर पूरी दिखती है तो यही भारत है। और यही भारत, इसी भारत के लिए देश के आजादी के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपनी आहुति दी, इसीलिए उन्होंने दी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको योगदान देना है और वह भाव आज हम सबको जगाना होगा, आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत हमें अपने स्तर पर स्वयं करनी पड़ेगी। इसका भाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी, अपने स्कूल से, अपने ग्राम पंचायत से, अपने नगर निकाय से, अपने जनपद से करनी पड़ेगी। भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के समय प्रयास करना होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जब एक सभी कार्यक्रम चल रहे थे, हम लोगों ने उस समय एक बात कही थी, सभी स्कूल कॉलेजेस से कही थी कि हम लोग केवल इस कार्यक्रम को एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में न लें, हमारा दायित्व भी है। हम देखें आजादी की लड़ाई में एक लंबी फेरिस्त है जिन महापुरुषों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में वे लोग गुमनाम रह गए, उनका कहीं उल्लेख नहीं। आजादी के उन बंदों को कौन ढूंढेगा? स्कूल कॉलेजेस का दायित्व तो बनता था, जहां कॉलेज है, जहां स्कूल है, जहां महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उनका दायित्व तो बनता था। वे अपने छात्रों से, अपने आचार्यों को लगा करके वहां पर स्थानीय स्तर पर उस प्रकार के रिकॉर्ड को टटोले, टेप ढूंढे, लोक गाथाओं को देखें, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक मान्यताएं, वहां के खंडर, वहां के उस समय की बहुत सारी ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जो हमें आजादी की लड़ाई की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर देता है, हमें बता देता है ये खंडर क्यों है, क्योंकि ब्रिटिशर ने इसलिए तोड़ा था क्योंकि यहां से देश की आजादी की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के लिए, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए कभी इस खंडर ने आवाज बुलंद की थी, लेकिन अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसे खंडर में बदल दिया। इस अगर वही डॉक्यूमेंट हमारी संस्थाएं एकत्र करके जनपद स्तर पर एकत्र करें, फिर राज्य सरकार के संज्ञान में इस बात को लेके आए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर के फिर वहां पर उन लोगों का नाम ढूंढे कि कौन कौन इस लड़ाई में थे, बहुत सारे लोगों के नाम आ सकते हैं जो आज भी गुमनाम हैं, उन नामों को सामने लेके आना, वर्तमान पीढ़ी के सामने उस आदर्श को सामने रखना, याद रखना इतिहास को विस्मृत करके हम उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतिहास की गौरवशाली क्षणें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विकास केवल बोल देने से नहीं होने वाला, हर एक की अपनी भूमिका होगी और उन सभी भूमिकाओं को एक साथ जोड़ करके जो हम कार्य करेंगे उसमें इतिहास भी होगा, सामाजिक अध्ययन भी होगा, आधुनिक तकनीक भी होगी, ज्ञान और विज्ञान का बेहतर समन्वय भी होगा। ये सभी एक एकजुट होकर के जब चलेंगे तब हम समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे
और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की संकल्पना को सिद्धि में बदलने के लिए पंच प्राण के साथ जोड़ने का जो आह्वान किया, ये पंच प्राण किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 135 करोड़ नागरिकों के लिए एक मंत्र बनकर के कार्य करने का है कि अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आजादी का शताब्दी महोत्सव जो हम मनाएंगे तो 25 वर्षों के अमृत काल के एक समय सीमा हम सबको तय करनी होगी। स्कूल कॉलेजेस भी तय कर सकते हैं। सौभाग्य से हर शिक्षण संस्थान के लिए देश के अंदर आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों के साथ जुड़ते हुए हम अपने शिक्षण संस्थान को देश और दुनिया के उन आदर्श केंद्रों के रूप में स्थापित करने में क्या योगदान दे सकते हैं। समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके के नागरिकों के द्वारा भी इस कार्य का किया जा सकता है। किसान अपने स्तर पर शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, उद्यमी अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है, एक व्यापारी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, एक शिक्षक अपने तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है, एक सरकारी कर्मचारी अपने स्तर पर इसमें योगदान दे सकता है। समाज जीवन से जुड़ा हुआ हर तबके की भूमिका इसमें होगी और ये सभी लोग अगर मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 वर्षों के एक अद्भुत कार्यकाल के साथ जब भारत की आजादी जुड़ रही होगी, तब हम उस समय की पीढ़ी को कहने की स्थिति में होंगे कि देखिए जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब भारत एक विकासशील देश था, आज जब देश अपनी शताब्दी महोत्सव आजादी का मना रहा है, भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके लिए दुनिया का एक विकसित देश है, यह कहने के लिए हमारे पास देश और दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए होगा, उस समय की पीढ़ी को देने के लिए होगा। उस समय की पीढ़ी के सामने मुंह छुपाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय की पीढ़ी प्रश्न हमसे पूछेगी कि आखिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका योगदान क्या है इसमें, तब हम कह सकेंगे कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब हमारा देश विकासशील था, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ था, हमने भी इसमें अपने अपने क्षेत्र में यह योगदान किया है और मुझे लगता है यह भारत के अंदर संभव है। मैं देख रहा था हर घर तिरंगा में, हर घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था, हर व्यक्ति में घोल लगी थी कि मैं भी तिरंगा पहनाऊंगा अपने घर पर। यही तो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का भाव। मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, यही भाव को सर्वोपरि का भाव ही भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर पहनाने के लिए था। मैं सभी शिक्षण संस्थाओं से इस बारे में कहूंगा कि हम सब इस बात को जरूर ध्यान रखें कि शिक्षण संस्थाएं हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि वे अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ शासन की योजनाओं के बारे में भी बहुत गहरी जानकारी रखा करें। केंद्र और राज्य सरकारें या विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, और अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे, एक छात्र को फिर अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद अपने रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वह भ्रम की स्थिति में नहीं रहेगा, वह तय कर सकता है
कि मैं इस समय अध्ययन कर रहा हूं, इस समय मेरे लक्ष्य ये है, लेकिन मेरे अध्ययन के कार्य पूरे होने में मैं अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद मेरा रास्ता ये होगा और मुझे उसमें अपनी ये स्थिति प्राप्त करनी है। एक लक्ष्य के साथ कार्य करते हुए, लक्षित कार्य सिद्धि के लिए जब व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, एक लक्षित संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही सिद्धि में बदलती ही दिखाई देती है। और यह कार्य हम सब आसानी से कर सकते हैं। आज की इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ जुड़ने के लिए माना प्रताप शिक्षा परिषद और सभी आयोजन समिति के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आचार्य से ब्रह्मवीर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मवीर महंत अयोध्यनाथ जी महाराज, जिन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ करके तय किया था, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। एक एक कार्य आपने देखा होगा, गोरखपीठ से जुड़े हुए एक एक कार्य, और धार्मिक पीठ है, नाथ संप्रदाय की पीठ थी, लेकिन लड़ाई किस रूप में आगे बढ़ती थी। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब अगुवाई की बात आई तो गोरखपीठ बढ़ चढ़ करके सामने आया। छुआछूत उन्मूलन के लिए जब अभियान चलाने की बात सामने आई तो गोरखपीठ तब भी सामने आया, उसने तब भी कोई संकोच नहीं किया। गोरक्षा की बात आई तो गोरक्षा केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को कम खर्चे में अधिक उत्पादकता, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, अन्नदाता किसान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, गोरक्षा में गोरखपीठ आगे आई। स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिक किस रूप में बनने चाहिए, गोरखपीठ शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए उस समय आगे आई। और यही नहीं, जब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान होना चाहिए, तो योग के साथ साथ आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के लिए भी केंद्र स्थापित करने के लिए गोरखपीठ आगे आई। समाज सेवा के विभिन्न संकल्पों के साथ जुड़ना है, वनवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का कार्य हो या सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य, इन सभी में आचार्य द्वय ने सदैव पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लग करके अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन किया। आप उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि है और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अयोध्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का वर्ष है। यह स्वाभाविक रूप से उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण और उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मरण स्वाभाविक होता है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वचन, आपके मार्गदर्शन के साथ आज के प्रातःकालीन सत्र की सभा यही पूर्णता को प्राप्त करती है। सभी पूज्य संतजन, गच्छ पुनरागमनाय च, गच्छ पुनरागमनाय च, आप जाएं लेकिन पुनः पुनः इस सदन में आने के लिए जाएं, इस प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।